आज होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, और स्मैकडाउन के इस एपिसोड से जस्ट पहले द ब्लड लाइन के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर का एक बयान सामने आ रहा है जो कि रोमन रेंस को लेकर है। और इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस की आज स्मैकडाउन में हमें सुप्रीमेसी वो देखने को मिलेगी, क्योंकि रोमन रेंस की राइवल रही स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ देखने को मिली थी। और यहाँ पर द ब्लड लाइन के मेंबर के इस प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के इस एपिसोड में सुप्रीमेसी साबित करने वाले हैं। ये जान लेते हैं कि आखिर ये बयान किसका था और इस दौरान क्या कहा गया था। दरअसल ये बयान WWE के ब्लड लाइन के मैनेजर पॉल हेमन ने दिया, और यहाँ पर वे अपने दर्शकों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोमन रेंस जो कि आपके ट्राइबल चीफ है उन्हें एक्नोलेज किया जाए। और स्मैकडाउन से ठीक पहले पॉल हेमन का ऐसा बयान आना रोमन रेंस और उनकी टीम की आगे की स्टोरी लाइन के बारे में बहुत कुछ बयां कर रहा है, यानी कि पॉसिबली यहां पर रोमन रेंस और द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच एक सेगमेंट और ब्रेवल है वो देखने को मिल सकती है, और जहां पर द ब्लड लाइन की वजह से इसमें अपर हैंड रोमन रेंस का रहता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि रोमन रेंस पिछले काफ़ी समय से WWE में नहीं थे, लेकिन स्मैकडाउन के पिछले ही एपिसोड में उन्होंने रिटर्न किया था, और इस रिटर्न के साथ ही द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ उनका सेगमेंट हो गया था। यहां पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर रोमन रेंस के कॉन्शियस की वजह से ऐसा करना संभव नहीं हो पाया, और इसी के चलते यहाँ पर स्मैकडाउन के इस एपिसोड में वही स्टोरी लाइन हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि पॉसिबली रॉयल रंबल में रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच का मुकाबला है वो इवेंचुअली हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस के सबसे तगड़े प्रतिद्वंदियों में से एक है, और WWE के कई ऐसे जानकारों का मानना है कि रोमन रेंस को इस वक्त अगर कोई डिथ्रोन कर सकते हैं तो वह है द वाइपर रैंडी ऑर्टन, और यहाँ पर उनका ऐसा करने की इसी संभावना है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर WWE के पूर्व सुपरस्टार मार्क हेनरी ने कहा है कि अगर रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप से कोई हटा सकता है तो इस वक्त द वाइपर रैंडी ऑर्टन के अलावा यह काम कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें रोमन रेंस और द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच की स्टोरी लाइन है और भी ज़्यादा ब्रूटल होती हुई नजर आ सकती है, जहाँ पर हमें रोमन रेंस की मदद करते हुए द ब्लड लाइन दिखाई दे सकती, तो वहीं द वाइपर रैंडी ऑर्टन की मदद करते हुए यहां पर द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि एज स्टाइल्स ने भी स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में अपना रिटर्न किया था। तो दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।